एक बार की बात है, एक बहुत अच्छे राजा थे, उनका नाम था हरिश्चंद्रा। हरिश्चंद्रा अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए मशहूर थे। वो इक्ष्वाकु किंगडम के राजा थे, जो अपनी शान और विरासत के लिए जाना जाता था। किंग हरिश्चंद्रा अपनी ब्रेवरी और स्ट्रेंथ के लिए फेमस थे। उन्होंने कई युद्धों में अपनी वीरता दिखाई थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी थी सच्चाई के लिए उनका अनवेवरिंग कमिटमेंट। उन्होंने हमेशा सच्चाई का पालन किया। वो सत्या के प्रिंसिपल पे जीते थे, जिसका मतलब है ट्रूथ। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। उन्होंने कसम खाई थी कि वो हमेशा सच बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये उनका जीवन का सबसे बड़ा संकल्प था। किंग हरिश्चंद्रा को उनके लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने अपने राजा को हमेशा अपने दिल से माना। वो उनकी हॉनेस्टी और इंटेग्रिटी की बहुत तारीफ करते थे। उन्होंने अपने राजा को एक आदर्श के रूप में देखा। वो एग्जाम्पल सेट करते थे और अपने लोगों को सच्चे की इम्पोर्टेंस बताते थे। उन्होंने अपने प्रजा को हमेशा सच्चे का पाथ पधाया। उनका राज प्रॉस्परस और पीसफुल था। हर तरफ खुशहाली और शांति थी। उनके लोग खुश और कॉन्टेंट थे। उन्होंने अपने राजा के आदर्शों को अपनाया। एक दिन जब राजा जंगल में थे, तो उन्होंने एक आवाज सुनी। वो सागे विश्वामित्रा थे, जो अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वो राजा की ट्रूथ के लिए कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे थे। सेगे विश्वामित्रा ने राजा को एक कठिन परीक्षा में डाला। सेगे ने राजा को चैलेंज किया और उनकी डेडिकेशन पे सवाल उठाए। उन्होंने राजा से कहा कि सच्चाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं होता। किंग हरिश्चंद्रा ने अपना स्टैंड फर्म रखा और ट्रूथ के लिए अपना अनवेवरिंग कमिटमेंट डिक्लेयर किया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा सच्चाई का पालन करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विश्वामित्रा राजा के रिजॉल्व से इंप्रेस्ड हुए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उन्हें और टेस्ट करेंगे। उन्होंने हरिश्चंद्रा से दक्षिणा मांगी। दक्षिणा एक ट्रेडिशनल ऑफरिंग होती है, जो एक सागे को दी जाती है। राजा अपने वर्ड से बाउंड, बिना कोई हेजिटेशन के अग्री हो गए। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो सागे की विश फुलफिल करेंगे। विश्वामित्रा कनिंग और डिटरमिंड ने राजा से उनका पूरा किंगडम मांग लिया। इसमें उनकी सारी वेल्थ, पोसेशंस और उनकी फैमिली भी शामिल थी। हरिश्चंद्रा बहुत दुखी हुए। उन्हें अपने किंगडम और अपने वर्ड मेन से चूज करना था। अपने वर्ड के ट्रू उन्होंने डिसाइड किया कि वो सब कुछ दे देंगे। वो जानते थे कि सच सबसे ऊपर है। यह एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन वो फर्म रहे। उनका मानना था कि ट्रूथ के लिए उनका कमिटमेंट पैरामाउंट है। किंग हरिश्चंद्रा अब अपने वर्ल्डली पोजेशन से स्ट्रिप्ड, अपने किंगडम को छोड़कर अपनी वाइफ क्वीन तारामाती और अपने यंग सन रोहित के साथ चले गए। वो जंगल में घूमते रहे शेल्टर की तलाश में। उन्हें बहुत हार्डशिप्स का सामना करना पड़ा, लेकिन सब कुछ के बाद भी हरिश्चंद्रा ट्रूथ के लिए अपने कमिटमेंट से नहीं हिले। विश्वामित्रा अपने परसूट में रिलेंटलेस हरिश्चंद्रा को टेस्ट करते रहे। वो फिर से राजा के सामने प्रकट हुए। इस बार उन्होंने और दक्षिणा मांगी। उन्होंने राजा से किंगडम हैंडओवर से जुड़े रिचुअल्स के लिए पैसे मांगे। हरिश्चंद्रा अब डेस्टिट्यूट, बहुत ट्रबल थे। उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने सेगे को अपनी प्रेडिकमेंट कन्फेस की। उन्होंने काम करने और अपना डेब्ट चुकाने की इच्छा जताई। ट्रूथ के लिए उनका कमिटमेंट अनशेकन रहा। सेज राजा की प्लाइट देखकर उन्हें कशी में काम ढूंढने की सलाह दी। राजा हरिश्चंद्रा, जो अपने किंगडम को खो चुके थे, उन्होंने सेगे की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि कशी एक राइटर्स किंग के रूलमैन है। वहां के राजा का नाम सुनते ही हरिश्चंद्रा को थोड़ा सहारा मिला। उन्होंने हरिश्चंद्रा को अश्योर किया कि उन्हें वहां काम मिल जाएगा। सेगे ने कहा कि कशी मैन उनकी स्किल्स की जरूरत है, फिर वो अपना डेब्ट चुका सकते हैं। हरिश्चंद्रा ने अपने मन में सोचा कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है। हरिश्चंद्रा होपफुल येट हार्ट ब्रोकन अपनी फैमिली के साथ कशी चले गए। उन्होंने अपने राजा होने का घमान छोड़ दिया और एक नई जिंदगी की तलाश में निकल पड़े। कशी पहुंचने पे उन्हें एक हार्श रियलिटी का पता चला। उन्होंने देखा कि वहां की जिंदगी उनकी सोच से बिल्कुल अलग थी। वो सिटी उनके इमेजिनेशन से बिल्कुल अलग था। हर जगह उन्होंने गरीबी और दुख देखा, जो उनके दिल को छू गया। गरीबी और दुख हर जगह फैला हुआ था। हरिश्चंद्रा ने सोचा कि यह सब देख कर उन्हें अपने फैसले पर दोबारा सोचना चाहिए। राजा अपने ऑब्लिगेशन को पूरा करने के लिए डिटरमिंड, अपना प्राइड को भुलाकर अपने आप को स्लेव की तरह बेचने का डिसाइड किया, ताकि वो अपना डेब्ट चुका सके। उन्होंने अपने राजा होने का घमंड छोड़ दिया। वो कशी के राजा के पास गए और अपनी सर्विसेज ऑफर करी। उन्होंने कहा कि वो किसी भी काम के लिए तैयार हैं। उनकी वाइफ और सोन भी उनके साथ चले गए और उन्होंने भी सर्वे करने का डिसीड किया।
उन्होंने अपने राजा होने का घमंड छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने का सोचा। सेक्शन 5, द क्वींस ऑर्डियल। दिस चैप्टर डेल्व्स इनटू द हार्ट-रेंचिंग ट्रायल्स फेस्ड बाय क्वीन थारामाती एंड हर फैमिली। किंग हरिश्चंद्र, स्लेवरी मैन मजबूर, को क्रिमेशन ग्राउंड की रक्षा करने का काम दिया गया था। डिस्पाइट बीइंग अ किंग, ही वाज फोर्स्ड इनटू द रोल ऑफ अ लोली गार्ड, अ पोजीशन दैट टेस्टेड हिज रिजॉल्व एंड प्रिंसिपल्स। उन्हें किसी से भी टैक्स कलेक्ट करना पड़ा था जो अपने प्यारों को क्रेमेट करने आता था। हरिश्चंद्र हैड टू डिमांड अ टैक्स फ्रॉम ग्रीविंग फैमिलीज, एडिंग टू हिज ओन इमोशनल बर्डन। उनकी वाइफ तारामती को एक मेड सर्वेंट की तरह काम मिल गया। शी वंस अ क्वीन, नाउ सर्व्ड अदर्स, हर डिग्निटी एंड प्राइड शैटर्ड। उनका बेटा रोहित अपने फादर की हेल्प करता था और छोटे मोटे काम करता था। द यंग बॉय, इनोसेंट एंड अनअवेयर ऑफ द फुल एक्सटेंट ऑफ देयर प्लाइट, डिड हिज बेस्ट टू सपोर्ट हिज फैमिली। एक दिन ऑलरेडी सफरिंग फैमिली पारेक और मुसीबत आ गई। देयर हार्डशिप सीम्ड नेवर एंडिंग, टेस्टिंग देयर एंड्योरेंस एंड फेथ। रोहित, उनका प्यारा बेटा, स्नेक बाइट की वजह से मर गया। द ट्रेजिक लॉस ऑफ देयर सन वॉज अ ब्लो फ्रॉम विच दे कुड हार्डली रिकवर। थारामाती, हार्ट ब्रोकन और डेवस्टेटेड, अपने बेटे की लाइफलेस बॉडी को क्रिमेशन ग्राउंड ले गई। हर टीयर्स फ्लोड एंडलेसली एज़ शी कैरीड हर सन्स लाइफलेस फॉर्म, हर हार्ट हैवी विद ग्रीफ। उनके पास क्रिमेशन टैक्स देने के लिए पैसे नहीं थे। द फैमिली, ऑलरेडी इम्पॉवरिश्ड, फाउंड देमसेल्व्स अनएबल टू अफोर्ड द टैक्स रिक्वायर्ड फॉर द क्रिमेशन। अनहोन अपने हस्बैंड, जो गेटकीपर थे, से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें अपने बेटे को क्रिमाते करने दे। तारामती प्लीडेड विद हरिश्चंद्र, hoping that he would make an exception for their son. Anhon argued kiya ki ek maa ko apne bache ko proper farewell dene se nahin rokna chahiye. She argued passionately, stating that no mother should be denied the right to give her child a proper farewell. Harishchandra, apni duty aur oath se bound, refused kar diya. Bound by his duty and the oath he had taken, Harishchandra found himself in an agonizing position. Wo bina tax ke cremation ki permission nahin de sakte the. He could not allow the cremation without the tax, even though it tore him apart to refuse his own wife. Section 6, A Son's Untimely Fate. तारामती गुस्से और ग्रीफ से भारी अपनी किस्मत को कोसने लगी। उन्होंने आसमान से सवाल किया कि उन्हें इतनी बुरी सजा क्यों दी जा रही है। उनकी चीखें क्रिमेशन ग्राउंड में गूंजती रही, उनके अनबियरेबल पेन की निशानी। हरिश्चंद्र अपनी वाइफ का एंग्विश देखकर टूट गए। उन्होंने अपने ओथ का वेट अपने ऊपर महसूस किया। वो अपनी बिलवेड वाइफ को सफर नहीं देख सकते थे, लेकिन वो अपना वर्ड भी नहीं तोड़ सकते थे। वो अपने स्टैंड पे डटे रहे। उनका दिल सौरों से भरा हुआ था। वो जानते थे कि अपनी इंटेग्रिटी से कॉम्प्रोमाइज करना उनकी वाइफ के पेन को देखने से भी बड़ा पाप होगा। वो रेसोल्यूट रहे। ट्रूथ मैन उनका फेथ अनबेरेबल ट्रेजेडी के बावजूद भी अनवेवरिंग रहा। सेक्शन 7, द डेप्थ्स ऑफ डिस्पेयर। जैसे ही तारामती अपने बेटे को क्रिमाटे किए बिना जाने लगी, एक मिरेकल हुआ। विश्वामित्रा प्रकाट हुए और फाइनली अपना एलाबोरेट टेस्ट खत्म कर दिया। उन्होंने हरिश्चंद्र को अपनी ट्रू आइडेंटिटी रिवील की। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो राजा की ट्रूथ के लिए कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे थे। इमोशन से ओवरवेल्म्ड हरिश्चंद्र उनके पैरों में गिर गए। उन्होंने सिगे को थैंक यू कहा कि उन्होंने उन्हें राइटसनेस का ट्रू मीनिंग सिखाया। उन्होंने टेस्ट पास कर लिया था और ट्रूथ के लिए अपना अनवेवरिंग डेडिकेशन प्रूव कर दिया था। विश्वामित्रा हरिश्चंद्र की रेजिलियंस से खुश हुए और उन्होंने उनका सब कुछ वापस लौटा दिया जो उन्होंने खोया था। उनका किंगडम, उनकी वेल्थ और उनका बेटा भी उन्हें वापस मिल गया। सेक्शन 8, ट्रूथ्स ट्रायम्फेंट रिटर्न। हरिश्चंद्र के ऑर्डियल की न्यूज पूरी लैंड में फैल गई। उन्हें ट्रूथ और इंटेग्रिटी के सिंबल की तरह हेल किया गया। उनकी स्टोरी इंस्पिरेशन की एक तले बन गई जो लोगों को हॉनेस्टी की इंपॉर्टेंस की याद दिलाती है। किंग हरिश्चंद्र अपने एक्सपीरियंसेस से हम्बल्ड अपने किंगडम में एक वाइजर रूलर बनकर लौटी हैं। उन्होंने जस्टिस और कंपैशन से रूल करना कंटिन्यू किया। उनका रेन प्रॉस्पेरिटी और पीस से भरा रहा। उनकी लेगेसी जीवित रही, जेनरेशंस तक पास होती रही। उनकी स्टोरी एक रिमाइंडर की तरह सर्व करती है कि ट्रूथफुलनेस एक राइटस लाइफ की नींव होती है। सेक्शन 9, एन एंड्यूरिंग लेगेसी। हरिश्चंद्र की स्टोरी होप और इंस्पिरेशन की एक किरण है। यह हमें सिखाते हैं कि सर्कमस्टेंसेस चाहे कितने भी दिरे क्यों न हों, सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह हाईलाइट करता है कि इंटेग्रिटी और हॉनेस्टी सिर्फ वर्ड्स नहीं है बल्कि जीवन का तरीका है। हरिश्चंद्र का जर्नी हमें याद दिलाता है कि ट्रू स्ट्रेंथ
अपने वैल्यूज को अपहोल्ड करने में है, चाहे कोई भी टेस्ट क्यों ना हो। यह हमें इनकरेज करता है कि हम राइटसनेस के लिए स्ट्राइव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि सच की हमेशा जीत होती है। उनकी कहानी जेनरेशन से लाखों लोगों को इंस्पायर करती आई है। यह एक टाइमलेस रिमाइंडर है ट्रूथ की पावर और अपने प्रिंसिपल्स पे खरा रहने की इम्पोर्टेंस।